के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई तो 1947 से अब तक 100 रुपया लीटर तेल नहीं हुआ था, पहले ये सुनने को मिल गया। टमाटर फ्रीजर मिलने लगा। अरे बाबा, मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइफ से, आइए कुछ लोगों से मिलते हैं, देखते हैं जो है लोग क्या कहते हैं। इस बार लोग जो है सपा को पसंद करते हैं या जो है भाजपा को पसंद करते हैं या BSP को पसंद करते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं। आइए भैया, आप अपना परिचय बताइए। आप मेरा नाम हिरन यादव है, मैं रहने वाला हूँ बिहार से, चंद्र भगवान से, और मैं पढ़ाई लिखाई जितना भी मेरा हुआ है यूपी से हुआ है, और अभी मौजूदा आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, यहीं रह रहे हैं। अच्छा, इस बार जो है आप लोग जो है किस मुद्दे में चुनाव करेंगे? देखिए, हम लोग किस मुद्दे पर चुनाव मतलब ये करेंगे, हम लोगों को नौकरी चाहिए, ठीक है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी के आदमी जहाँ एक अगर 10,000 अगर सीट है तो वहाँ 10,00,000 लोग पहुँच रहे हैं वहाँ, मतलब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। आने वाली समय में देखिए, अब चुनाव हो रहा है ना प्रधानमंत्री जी, चुनाव अब की बार अगर गलती से जीत गए तो अगले आने वाले कई सालों में चुनाव नहीं होगा। ये राष्ट्रपति शासन जैसे लागू हो गया ना, जैसे कि जॉन किया वो सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हमें परिवर्तन चाहिए। जो नौकरी हमें देगा उनको हम लोग वोट करेंगे, उसी मुद्दे पर वोट हो जाएगा। प्याज छूने लगा आसमान, बताए सब्जी क्या सुन तो सब। सबसे बड़ी बात, दूध किसान का दूध जो है घर पे 30 रुपया जा रहा है, वही दूध उठा के कंपनी बेच रही, 100 रुपया लीटर बेच रही है। किसान का धान नहीं महंगा हो रहा है, किसान का बीजेपी भगाओ देश बचाओ। क्या दुनिया चलेगी, दुनिया क्या चलेगी, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, युवा देखिए जिस देश के युवा खुश नहीं है उस देश का कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग खुश नहीं है सरकार से, अब कुछ भविष्य में आने वाला होगा भी नहीं। 4 साल ये जो नौकरी हुई है ना, ये 4 साल नहीं होनी चाहिए थी, इसको परमानेंट होना चाहिए था, क्योंकि हर कोई जब भी फौज अगर फौजी कोई जाता है तो घर से एक मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास से भी नीचे का लड़का जाता है फौज में, बताइए। कुछ 4 साल में 6 महीना से लेके साल भर अपना करेगा। अच्छा भैया, चलिए दूसरे भाई से बात करते हैं। विनोद जी, भैया इस बार आप लोग जो है इस बार जो है आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? इस बार हम शिक्षा और रोजगार पे वोट करेंगे, इस बार शिक्षा और रोजगार पे हम लोग वोट करेंगे और PDO को जिताएंगे। क्या आपको लगता है कि वास्तव में शिक्षा और जो रोजगार बहुत पीछे है? हद से BJP सरकार में हद से ज्यादा पीछे, हद से ज्यादा शिक्षा बेहतर हो गया, एकदम बेहाल हो गया। आने वाले समय में लोग बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतना ज्यादा है, कोई गरीब अपना पेट भर सक नहीं पाल सकता है। सही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? BJP एकदम झूठा पार्टी, एकदम झूठ, उससे ज्यादा इस दुनिया में कोई झूठा नहीं बोलता है। वो 4,000 कर देगा, उसको पता नहीं कितनी सीट है इस समय। जब मशीन ही उसका सब माई बाप है, तो जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस बार हम लोग PDA और इंडिया का साथ देंगे, इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से जीतेगा, हम लोग जिताएंगे और समाजवादी पार्टी का UP में बहुमत लाएंगे। एक बार बताइए कि 2014 के अंदर में, 2017 के अंदर में, 2019 के अंदर में और 2022 के अंदर में लगातार जो है सपा जो है हार रही, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस बार चुनाव हारेंगे जीतेंगे उसका लेना देना नहीं है। इस बार 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसको हम लोग लोकसभा जिता कर। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि और करीब